सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 जो एनुअल परीक्षा हमारा होने वाला है उसके मॉडल सेट का अध्ययन करेंगे। इस मॉडल सेट को मैंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो साइट है उससे लिया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें अभी ये जो मेरा प्रथम वीडियो होगा इसमें हम ऑब्जेक्टिव जो 100 हैं लेकिन परीक्षा में हमको बनाना होता है 50, हम उन 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरा तो नहीं लेकिन 50% इसमें से ही प्रश्न अवश्य आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बढ़िया से पढ़ें और याद करें। जो भी बच्चे क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं यदि वे जुड़ गए हैं तो वह आरंभ से अंत तक अवश्य देखेंगे। आइए अब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। लिखा भी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड अ, और इस वीडियो में इस क्लास में हम वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्नों का ही अध्ययन कराएंगे। लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी जो 100 क्वेश्चन दिया रहता है लेकिन हमको परीक्षा में 50 ही बनाना होता है। यदि हम 50 से अधिक बना देते हैं तो आरंभ से 50 जहां पूरा होगा उतना ही तक की गणना करके और जो आपका उत्तर सही होता है उससे आपको रिजल्ट दिया जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और भी जो 10th क्लास के आपके मित्र हैं उन्हें भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। देखते हैं, पहला प्रश्न है विद्या अधिगमाय। विद्या अधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है? विद्या अधिगमाय पद है और किन वर्णों की संधि हुई है? तो पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। विद्याधन अधिगमाय, तो विद्या प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ। और बाद वाले प्रथम अधिगमाय, बाद वाले पद का प्रथम वर्ण क्या है? अ। तो आ धन अ, यानी इसका जो ए ऑप्शन है यह सही है। हम समझाने का भी पूरा प्रयास करेंगे कि दूसरा भी शब्द यदि आ जाता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत न हो। विद्या अधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है पूछ दिया, तो पहले उस पद का संधि भी छेद करेंगे। विद्याधन अधिगमाय, विद्या का अंतिम वर्ण आ है और अधिगमाय का प्रथम वर्ण क्या है? अ है। आ धन अ बराबर आ, तो ए पहला का एंसर हो गया ए। अब हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि किन में वर्णों के मेल से विकार होता है? किन में वर्णों के मेल से विकार होता है? एकदम आसान प्रश्न है। किस में वर्णों के मेल से विकार होता है? संधि में। ऑप्शन है समास में, नहीं विग्रह होता है। संयोग में, सवर्ण में नहीं होता, किस में होता? संधि में, यानी दूसरा का उत्तर बी होगा। और संधि आपको कंप्लीट करना हो तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से पूरा संधि अध्ययन कर लें। आपके सिलेबस के अनुसार मैं पूरा संधि आपको पढ़ा दिया हूं। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। यह प्रश्न हमारे पुस्तक से है और यह भी व्याकरण का है। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? ऑप्शन दिया संस्कृताय लेखिका, संस्कृतेन लेखिका, संस्कृतस्य लेखिका और संस्कृतम लेखिका। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, संस्कृतस्य लेखिका। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि वैदिकम च तत् युगम का समस्त पद क्या होगा? ऑप्शन है वैदिक युगे, वैद्यकम, वैदिकी, वैदिक युगम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, वैदिक युगम। ऑप्शन डी इसका सही है, वैदिक युगम। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि संस्कृत में कितने कारक हैं? तो संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6। अनुवाद बनाने की सुविधा के लिए हम कारक के 8 भेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसे पूछ देगा कहीं भी कि संस्कृत में कितने कारक हैं तो हमारा सही उत्तर 6 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में
किस कारक का प्रयोग होता है? तो अधिकरणे सप्तमी अधिकरण कारक, ध्यान रखेंगे एकदम, अधिकरण कारक में कौन विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। एकदम क्रम है, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण और अधिकरण तक ही, संबोधन में तो प्रथमा हो जाती है, तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होती है। प्रथमा द्वितीय तृतीय, वैसे ही जैसे कारक का क्रम है वैसे ही विभक्तियों का भी क्रम है, कहीं उलझना नहीं है, एकदम सुलझा हुआ। मैं कारक प्रकरण का भी अध्ययन कराया हूं, आप उसे देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? दुर्योधन, दुष सु दुर और उप, चार ऑप्शन है, तो सातवां का सही उत्तर हो जाएगा दुर। दुर यानी दुर उपसर्ग लगा है दुर्योधन में, दुर्योधन पद में उपसर्ग क्या है? दुर, सात का सी ऑप्शन सही है। आठ में चलते हैं, आठ कहता है बालयः पद का मूल रूप क्या है? बालक बालिका बाला या बाल, तो यहां जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बाल, आठ का डी हो जाएगा, बालह बालौ बाला बालम बालौ बालान बालेन बालाभ्याम बालयः, यानी तृतीया बहुवचन, बालयः पद का मूल रूप हो जाएगा बाल, बाल शब्द से बना है, बाल मीन्स बच्चा। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? ऑप्शन है दाता दात्रा दातुह और दातारह, तो 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दाता, दाता दातारह दातारह, इस प्रकार से इसका दात्री शब्द का शब्द रूप चलता है। और प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? दाता, द्विवचन में दातारौ और बहुवचन में दातारह, इस प्रकार चलता है। हम इन प्रश्नों के साथ आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे परीक्षा में बढ़िया करें और सब बच्चों तक यह पहुंचे, सभी बच्चे मैट्रिक परीक्षा में बढ़िया नंबर लाएं, इसी शुभकामना के साथ मैं इस कार्य को कर रहा हूं। 10 है चर, किस लकार का रूप है चर? लटका है लोट लिरिट या लंग, चार ऑप्शन है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी लोट लाकार, चलता है ना, इसमें तू तामंतु ही, वही मध्यम पुरुष एक वचन में चर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं, कहता है द्रक्षति, द्रक्षति किस धातु का रूप है? ऑप्शन है दृश पश्य द्रिप और द्रुह, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? दृश, दृश हो जाएगा ना, लट लाकार में द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षंती हो जाता है, यहीं लट में चलेगा तो इसी दृश्य का हो जाता है पश्यति पश्यता पश्यंती। यहां पूछ दिया द्रक्षति किस धातु का रूप है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दृश्य। फिर कहता है प्रश्न संख्या 12 कि कंपमानम, कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है, ऑप्शन है यहां सानच सत्री कत और कतौतु, पूछ दिया कंपमानम इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सानच, ए 12 का ए ऑप्शन सही है, कंपमानम में सानच प्रत्यय होता है। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि भूधन कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? एकदम आसान है, ऑप्शन है भवनम भूत्वा संभूय भवन, तो भूधन कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? भूत्वा, त्वा जुड़ जाता है किसी भी धातु के अंत में, तो भू में कत्वा जुड़ा तो क्या बन गया? भूत्वा। 14 प्रश्न है, कहता है कि धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है और कहां कृत प्रत्यय होता है कहां तद्धित प्रत्यय होता है, इसको भी मैं पहले समझाने का प्रयास किया हूं आप लोगों को। धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ठक ठय स्थन और स्यय, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ठक, धर्म धन ठक बराबर धार्मिकम या धार्मिकम। प्रश्न संख्या 15 में आ जाते हैं, एकदम आसान प्रश्न है कि अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अजा, बकरी इसका हिंदी अर्थ हो जाता है, तो 15 का सही उत्तर हो गया ए। 16 कहता है कि यथा नद्यः सिंधमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय,
कहता है कि मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 17 पर आ जाते हैं। 16 का ऑप्शन सी सही हो गया। 17 कहता है कि अनृतम अनृतम पद का पर्याय निम्न में कौन सा है? पर्याय मतलब समझते हैं ना, समानार्थी, समान अर्थ प्रदान करने वाला। तो अनृतम असत्यम सत्यम अनर्थम अकृतिम। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए, असत्यम माने झूठ। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। नहीं, इस पद्यांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? मैंने बोल ही दिया वेदाहमेतम महांतम, बीच में क्या हो जाएगा? पुरुषम। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेद रूपी जो पुरुष है वह क्या है? महान है। 18 का बी ऑप्शन सही है। फिर हम पहुंचते हैं 19 में, और 19 कहता है कि सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? मोदफलपुर, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, काशी। तो हम लोगों ने पाटलिपुत्र वैभव में पढ़ा है कि पाटलिपुत्र को ही सरस्वती कुल गृहम कहा गया है। तो 19 का सी ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न संख्या 20 में आ गए, और कहता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? पटना, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। तो 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा पटना। मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से विख्यात हो गया। 20 का सही ऑप्शन ए। 21 प्रश्न है, कहता है कि पत्तन, पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? पत्तन शब्द से बना हुआ पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? एकदम आसान है, ऐसे ऑप्शन देख लीजिए, अजीमाबाद, पटना, पुष्पपुर और कुसुमपुर। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा पटना। पत्तन से क्या बना है? पटना। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 22 में, 21 का सही ऑप्शन हो गया बी, और 22 देखते हैं अब। 22 कहता है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था? कौन ऐसा शासक था जिसके शासन काल में पाटलिपुत्र का वैभव समृद्ध था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, प्रियदर्शी अशोक, मुगल और गुप्त वंश। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मुगल। मुगल के शासन काल में पाटलिपुत्र का वैभव जो है अत्यंत समृद्ध था, यानी 22 का सी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 23 में, कहता अलस कथा, बड़ी ही रोचक कथा है, पूरी पुस्तक का मैंने अध्ययन करा दिया इस चैनल के माध्यम से। आप सब्सक्राइब करके जुड़ें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, 10th क्लास की पूरी सामग्री आपको मिलेगी। अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया? आलस्य, निद्रा, क्रोध या दीर्घसूत्रता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आलस्य। अलस कथा आलसी की कहानी है, तो यहां दोष किसका है? आलस्य का ही है। अब आइए 23 का ए ऑप्शन सही हो गया। अब हम 24 पर आ गए, और 24 कहता है कि सजातिनाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जन्तवः। इस पद्यांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो सजातिनाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जन्तवः। 24 का बी ऑप्शन सही है, सुखम। अपने जाति के लोगों के सुख को देख करके कौन जीव नहीं दौड़ता है? अर्थात सभी जीव दौड़ते हैं। आ गए 25 में, कहता है कि जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? ऑप्शन है खा रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, परस्पर आलाप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? परस्पर आलाप कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। जितने धूर्त थे उस अलसशाला से भाग गए, लेकिन चार जो पूर्ण आलसी थे वह भागे नहीं, वह आपस में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे, परस्पर आलाप कर रहे थे। तो 25 का सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 26 में, और 26 कहता है कि तुष्णिम कथम न तिष्ठत, किसका कथन है? तुष्णिम कथम न तिष्ठत का हिंदी अर्थ होता है चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? यह अंतिम आलसी कहा था, चौथा, यानी सी ऑप्शन इसका भी सही है। 26 का सी सही है, तुष्णिम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, चौथे आलसी ने कहा।
तो 26 का सी ऑप्शन सही है। आ जाते हैं अब प्रश्न संख्या 27 पर। 27 कहता है कि दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, विजयांका। तो हम लोगों ने पढ़ा है नहीं, किसकी रुचि थी? मैत्रेयी की। लिखा गया इसके बारे में कि मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमति वर्णिता। मैत्रेयी जो है दार्शनिक रुचि की वर्णित हैं। दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? मैत्रेयी की। 27 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 28, अथर्व वेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? 5, 7, 4 या 40। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 5। अथर्व वेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है जो मंत्र दृष्टा है। 28 का ए हो गया। अब हम आ गए 29 में। 29 कहता है कि निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? शंकर चरितम, मधुरा विजयम, वरदाम्बिका परिणय या कथा मुक्तावली। तो 29 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मधुरा विजयम। गंगा देवी ने क्या लिखा है? मधुरा विजयम। एकदम ध्यान रखेंगे, पिछली बार भी परीक्षा में पूछ दिया था और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं इस मॉडल पेपर को, इसे बिहार बोर्ड ने जारी किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ छुपा हुआ है। आप इसे ध्यान से देखें, पढ़ें, याद कर लें बिल्कुल, ताकि परीक्षा में कहीं कोई दिक्कत न हो और आप जो है बढ़िया नंबर अर्जित करें। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि कंपन राय की रानी का नाम क्या था? ऑप्शन है तिरुमलाम्बा, शीला भट्टारिका, गंगा देवी और पंडिता क्षमा राव। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा सी, गंगा देवी। कंपन राय की रानी का नाम क्या है? गंगा देवी। अब हम पहुंच गए प्रश्न संख्या 31 में, और 31 कहता है कि सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय तो जानते ही हम लोग कितने होते हैं, चाप, डाप, चाप, टाप, डाप, चाप, इंगीप, इंगिस, इंगिन, उंग और ती, यानी 8 स्त्री प्रत्यय हैं। लेकिन इसमें कहता है कि सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सूर्या में कौन है? टाप है कि चाप है कि डाप है कि उंग है? तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चाप। सूर्य में चाप प्रत्यय जब लगता है तो सूर्या पद बनता है। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि किम धन तसिल से कौन सा अव्यय बनेगा? किम में जब तसिल प्रत्यय लगेगा तो कौन सा अव्यय पद बनेगा? कोत्र, कुतः, कथम, कदा। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा बी, कुतः। क्या बन जाएगा? कुतः बनेगा, कुतः। आगे आ गए हम प्रश्न संख्या 33 में। 32 का बी सही हो गया। 33 दो पेज में है। तो 33 कहता है कि करणीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? यहां अनिय लगा है ना, ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है, तब्यत, ण्यत, अनियर और यत। तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनियर। 33 का क्या हो जाएगा? सी, सी ऑप्शन सही है। 33 में करणीयम में कौन प्रत्यय लगा? अनियर। पठनीयम, गमनीयम, इस प्रकार के पद जो है अनियर प्रत्यय के योग से बनते हैं। फिर आ गए हम प्रश्न संख्या 34 में। कहता है कि धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है? ध्यान देंगे, धाव धातु है, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में कैसे चलता है? ए दे दाम, ए यु, ए हे तम, एत, एम, एव, एम। लेकिन कहता है कि कहाँ प्रथम पुरुष एकवचन माने एत, तो किस में लगा है? एत, धावेत। यहाँ डी ऑप्शन है ना, यानी 34 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं, और यह कहता है कि भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? पति के समान चलेगा, सुधी के समान चलेगा, गुणिन या मुनि के समान चलेगा? चार ऑप्शन है हमारे सामने। तो 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मुनि के समान चलेगा, मुनि, मुनि, मुनयः, इस प्रकार चलता है भूपति का भी। तो 35 का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 36 में, और 36 कहता है कि किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? अधि उपसर्ग नहीं है अध्ययनम, अध्यक्षा,
अधिगमम अधर्मः, ऐसे ही लग रहा है, इसमें जो है अधि उपसर्ग नहीं है, न धर्म इति अधर्मः, अधि यहाँ है ही नहीं। तो 36 का डी ऑप्शन सही है। 37 में आ गए, धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन होती है, चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया या पंचमी। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा बी, द्वितीया विभक्ति है। धिक माने धिक्कार, अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। 37 का बी ऑप्शन सही है। आ गए अब हम लोग प्रश्न संख्या 38 में, और 38 कहता हम लोगों का कि कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, वाक्य में कविषु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, षष्ठी चानादरे सप्तम्य अधिकरणे यतश्च निर्धारणम आधारो अधिकरणम। तो यहां यतश्च निर्धारणम, जब किसी समूह से में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तब उस समूहवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है, यतश्च निर्धारणम, यही निर्धारित करता है। तो यहाँ कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कविषु कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, समूह में यतश्च निर्धारणम। 38 का सी ऑप्शन सही है। विशेष आप कारक प्रकरण में देख सकते हैं, और यह जो वाक्य है कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, यह अनुवाद भी लगभग प्रत्येक वर्ष आता है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, लिखा सशरीरम लंबोदरः निर्बाधम प्रतिदिनम, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। तो अव्ययी भाव समास मैंने पढ़ाया आप लोगों को, क्या पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, तो किसमें अव्ययी भाव नहीं है, इसमें लंबोदरः लंबम उदरम यस्य सः गणेशः, नहीं यहाँ बहुव्रीहि है, लंबोदरः में अव्ययी भाव समास नहीं है, यानी 39 का बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। आगे बढ़े 40, प्रश्न संख्या 40 कहता है कि किसमें विग्रह होता है, विग्रह किसमें होता है, समास में होता है, संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है, और समास में क्या होता है, विग्रह होता है, एकदम ध्यान रखिए। तो 40 का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41, 41 कहता है कि पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है, पाठे अस्मिन, अब ऑप्शन दिया है व्यंजन, पूर्वरूप, पररूप और विसर्ग। पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन, पूर्वरूप, पररूप या विसर्ग। तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, पूर्वरूप संधि का उदाहरण है। पाठे धन अस्मिन, यहां जो उत्तर पद का अ है वह अर्ध अ का रूप धारण कर लेता है, तो यहां इसका बी ऑप्शन सही हो गया। 42, गति धन इति की संधि क्या होगी, गति धन इति, विसर्ग लगा इस बात का ध्यान रखेंगे, तो गति धन इति की संधि क्या होगी, ऑप्शन दिया गतीत, गतिरीति, गतिरीति, गत्येति। अब यहां देखिए उलझाने के लिए दो बार लिख दिया, गतिरीति, गतिरीति, बी और सी कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, गतिरीति, यानी हर शिकार ही रह जाएगा, विसर्ग का सिर्फ र होता है और उसमें भी ह्रस्वई की मात्रा हो जाती है, तो गतिरीति बन जाएगा, एकदम ध्यान देने योग्य बात है। गति में भी त में ह्रस्वई की मात्रा है, विसर्ग का र हो जाता है और उसमें ई जुड़ेगा तो वह भी ह्रस्वरी का रूप धारण करेगा और पीछे भी ह्रस्वती है, तो गतिरीति। 42 का सी ऑप्शन सही है। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 43 कहता है कि निम्न में चेति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चौधनेति, चौधनेति, चेधनेति या चौधन आयति, क्या होगा सही। 43 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौधन इति, चेति। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 पर, और यह कहता है कि किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है। अब विसर्ग में कहाँ विकार या परिवर्तन होगा भाई, तो विसर्ग संधि में होगा, सामान्य बात है, नहीं समझने की बात है। जहाँ स्वर से स्वर का मेल हो गया वहाँ स्वर संधि, जहाँ व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होगा व्यंजन संधि, और जहाँ विसर्ग से क
किसी भी वर्ण का मेल या विकार होता है वहाँ व्यंजन संधि ही सॉरी विसर्ग संधि ही होती है, विसर्ग से होगा। यानी 44 का सी ऑप्शन सही है, विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा मीन्स विसर्ग संधि होगी, कन्फर्म। 45 कहता है हम लोगों का कि किस समास में उभय पद प्रधान होता, उभय पद माने समझते हैं ना, दोनों पद प्रधान होगा। तो मैंने अव्ययी भाव में समझाया क्या, पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में बाद वाला पद प्रधान होगा, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होगा, नहीं। तो यह 45 का सी ऑप्शन जो है सही है, किस समास में उभय पद की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास में। प्रश्न संख्या 46, करण कारक विधायक सूत्र निम्न में कौन सा है। कहता है कि करण कारक विधायक सूत्र निम्न में कौन सा है, किससे करण कारक, साधकतमम करणम कर्तृकरणयोः तृतीया अपवर्गे तृतीया सहयुक्ते प्रधाने। तो करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, ए, 46 का ए ऑप्शन सही है, साधकतमम करणम, कर्ता द्वारा क्रिया करने में जो सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं, यही कह रहा है साधकतमम करणम। तो 46 का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न संख्या 47 में कहता है कि भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है, रामायण, पुराण, महाभारत, भागवत गीता। ये पढ़ा है मैंने, भारत महिमा पाठ का अध्ययन किए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 47 का सही उत्तर हो जाएगा क्या, बी, पुराण। दो पद्य पहले क्या हैं, पुराण के हैं, फिर जो है आधुनिक भाषा शैली में जो लिखे गए हैं वह लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पुराण। भारत महिमा पाठ कहां से लिया गया है, पुराण से। तो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 48। 48 कहता है कि आपगा का अर्थ क्या है, आया है पद्य में आपगा पद, तो इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया सरोवर, नदी, समुद्र और झरना। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा बी, नदी। आपगा भी नदी, आपगा का अर्थ क्या है, नदी। यानी 48 का बी ऑप्शन सही है। 49 में आ गए, धर्म जाति प्रभेदय इह टैक्स वहंतः वसंति, रिक्त स्थान में उचित पद से भरे। धर्म जाति प्रभेदय इह एकत्व भावं वहंतः वसंति, यहाँ क्या हो जाएगा, 49 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकत्व भावं, भिन्न भिन्न धर्म और जातियों के लोग यहाँ जो है एक साथ मिलकर के रहते हैं, कहाँ, इस भारतवर्ष में, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से आदर होता है। तो 49 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े हम, प्रश्न संख्या 50 कहता है कि केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है। केशांत संस्कार पढ़ा हम लोगों ने, भारतीय संस्कार आह पाठ, उसी का यह प्रश्न है। ऑप्शन दिया जन्म पूर्व, शैशव, शैक्षणिक और विवाह। तो 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, शैक्षणिक। शैक्षणिक संस्कार है कौन, केशांत। शैक्षणिक संस्कार में केशांत होता है, मुंडन होता है। प्रश्न संख्या 51 है, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, गुरुगृह में, पितृगृह में, देवालय में, नगर में। तो वेद का आरंभ करने के लिए लोग गुरुगृह में जाते थे, कहाँ जाते थे, गुरुजी के घर पर। गुरुगृह का मतलब हो गया गुरुजी का घर, मेमन में गुरुजी के घर में आश्रम व्यवस्था थी उस समय। तो 51 का क्या हो गया, ए, गुरुकुल प्रणाली है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 52 पर। 52 कहता है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है, उपनयन, केशांत, जात कर्म, कर्णवेद। तो 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, केशांत। 52 का सही उत्तर हो जाएगा बी। फिर हम चलते हैं 53 पर, भारतीय संस्कार पाठ से इसे आप देख सकते हैं। और फिर लिखा किस संस्कार के अंतर्गत जातकर्म संस्कार किया जाता है, जात कर्म संस्कार। ऑप्शन दिया शैशव, शैक्षणिक, जन्म पूर्व और अंत्येष्टि। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ए,
सैशव संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है। ये सभी प्रश्न अभी जो हम लोग अभी 3-4 प्रश्नों का अध्ययन कर लिए, ये सभी भारतीय संस्काराह पाठ के हैं आपके पुस्तक के। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 54। ये कहता है कि कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्ख। कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? मूर्ख करता है। इसके लिए पद्य आया है, नहीं अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः, यानी वह मूर्ख है जो विश्वास नहीं करने योग्य पर क्या करता है? विश्वास करता है। आगे बढ़ते हैं, 54 का सी ऑप्शन सही हो गया। अब हम आ गए 55 में। 55 कहता है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? किसके? स्त्रियों की। स्त्री की रक्षा जो है हमें विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को क्या कहा गया है? लक्ष्मी कहा गया है। प्रश्न संख्या 56 कहता है कि शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शिक्षिका, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डाप, चाप, उंग या टाप? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा डी, हो जाएगा ना, टाप। शिक्षक धन टाप बराबर शिक्षिका, तो 56 का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57। 57 कहता है कि दीर्घ धन तरप से कौन सा पद बना है? दैर्ध्यम, दीर्घता, दीर्घत्व, दीर्घतरम। तो 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, दीर्घतरम। तर जुड़ जाता है ना, तर प्रत्यय में क्या जुड़ता है? प का लोप हो जाता है और तर जुड़ जाता है, तो दीर्घतर बनेगा ना, तो दीर्घतरम हो जाएगा। 57 का डी ऑप्शन सही है। 58 कहता है कि बालानाम गति है जननी, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है? और रेखांकित पद क्या है? बालानाम के ऑप्शन है केसाम, कयो, काम, का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? केसाम। क्यों हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही है, 58 का ए सही है। कैसे सही है? बालानाम जो रेखांकित पद है वह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, और केसाम भी क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। तो ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जब भी हमको बनाना होगा तो जहाँ रेखांकित पद होगा उसकी विभक्ति और वचन पर ध्यान देंगे, वहीं प्रश्नवाचक पद में भी विभक्ति और वचन लगेगा, तब हमारा सही उत्तर होगा। तो 58 का ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 59। 59 कहता है कि वृथा अव्यय का अर्थ क्या है? वृथा अव्यय का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सत्य, बेकार, निश्चित, आपस में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बेकार। वृथा माने बेकार, 59 का बी ऑप्शन सही है। आगे 60 में, किस पद में तल प्रत्यय लगा हुआ है? तदीयः, फलितः, जनता, कुतः। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा सी, जनता, क्योंकि तल में क्या जुड़ता है? ता, और ता सिर्फ यहां जनता पद में ही जुड़ा है, इसलिए 60 का सही उत्तर हो गया सी, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 61 में। 60 प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। हसन में कौन सा प्रत्यय है? हसन, हसन में कौन सा प्रत्यय लगा भी? सत्रे, कत, लेउट या ल्यप? 61 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सत्री प्रत्यय लगा है। हस धातु में सत्री प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? हसन। 61 का ए ऑप्शन सही है, हसन में कौन सा प्रत्यय लगा? सत्री। 62 कहता है कि कृष्यति में कौन सी धातु है? ऑप्शन है क्रीड, क्रम, क्री, क्रूस। 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्री। क्री धातु है, कौन धातु है कृष्यति में? क्री धातु है। 62 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 63 कहता है कि पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है?
पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? ये तो बच्चे हमारे जानते हैं, पति शब्द का रूप जिन्हें याद है क्या होगा, पतिना, पतिम, पत्या या पति भी। एक वचन कह रहा है तो 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी पत्या, पत्या पतिभ्याम पति भी है। तृतीय बहुवचन में पति भी आएगा, डी ऑप्शन भी, लेकिन एक वचन पूछ रहा है इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तो 63 का सी ऑप्शन सही। 64 कहता है कि किस पद में अव उपसर्ग है, अ व, अपवित्रम, अवरोध, अव्यक्तम, अवाच्यम, तो 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी अवरोध, रोधा के पहले उपसर्ग जुड़ा है क्या, अव, और बन गया अवरोध, तो 64 का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, कहता है प्रश्न संख्या 65, पृथक अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? तो कारक प्रकरण को पढ़ाते वक्त जब मैं विभक्ति चिन्ह पढ़ा रहा था वहीं पढ़ाया कि से एक लगाव है और एक क्या है, अलगाव है, और वह कौन कारक कराता है, अपादान कारक। 65 का ए ऑप्शन सही है, अपादान कारक। 66 कहता है नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? यह भी कारक प्रकरण के उपपद विभक्ति सूत्र में हम लोगों ने अध्ययन किया है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड, योगा, च, चतुर्थी, यानी नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी, यानी 66 का जो है बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अब कहता है 67 कि अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूं, वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति के सूत्र से हुई, तथा युक्तम चानिप्सितम अकथितं च कर्मणि द्वितीया क्रिया विशेषणे द्वितीया, एकदम सामान्य है कि मैं तुमको देखता हूँ, मैं करता है, पश्यामि जो है क्रिया है और त्वाम क्या है, कर्म है, यहाँ कर्मणि द्वितीया, यानी 67 का सी ऑप्शन जो है सही है। त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, कर्मणि द्वितीया सूत्र से, 67 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 68, 68 कहता है महादेवः, महादेवः में कौन सा समास है, ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए कर्मधारय, महादेवः में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, महान देव, महादेव, विशेष विशेषण बहुलम कर्मधारय, हम लोगों ने अध्ययन किया है। 69 में चलते हैं, धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद निम्न में कौन सा है, नहीं धर्म, धर्मः च अर्थः च कामः च, इसका जो है बी ऑप्शन सही है, धर्मार्थ कामाः, धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद जो है हो जाएगा धर्मार्थ कामाः। 70 में आ गए, 70 कहता है कि खेलन रतम में कौन सा समास है, ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। खेलन रतम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, 70 का सी ऑप्शन सही है। 71 कहता है कि किस पद में स्वर संधि नहीं है, लिखा निश्चितम, स्वर संधि नहीं है, ध्यान देंगे, निश्चितम, उमेश, गमनागमनम, गायक, किसमें नहीं है, निहधन चितम, क्या बन जाएगा, निश्चितम, यानी यहां क्या हो रहा है, विसर्ग संधि, स्वर संधि इसमें नहीं है, यानी 71 का ए ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए कहां, 72, 72 कहता है कि किन वर्णों के मेल से य बनता है, इसके लिए पढ़ा मैंने इको यणच, यणच ई का य हो जाता है, यानी ई धन अ बराबर य होता है, 72 का बी ऑप्शन सही है। 73 कहता है कि दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है, और दीर्घ संधि कहाँ होती है, जहां दो समान स्वर वर्ण होते, अक स वर्णे दीर्घ, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय,
विद्याधन आलया, आधन आ, समान स्वर वर्णों का मेल हो रहा है। तो 73 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 74 लिखता है, पुस्तक से है कि भीखन टोला देखने के लिए कौन आए, किताब में पढ़ा है मैंने, कौन आए, शिक्षक आए, निरीक्षक नहीं, नेता नहीं, अभिनेता नहीं, भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए, शिक्षक आए। 74 का ए ऑप्शन सही है। 75 कहता है कि लक्ष्मी किसे प्राप्त होती हैं, किसको, आलसी को, उद्यमी को, धर्मात्मा को, साधु को, किसको प्राप्त होती हैं, उद्यमी को, मीन्स परिश्रमी को। लक्ष्मी या संपत्ति किसे प्राप्त होती हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, उद्यमी होता है। 75 का बी ऑप्शन सही है। 76 कहता है कि अर्थाभाव का अर्थ क्या है, अर्थाभाव माने अर्थ का अभाव, अर्थ माने क्या होता है, धन, तो इसका ए ऑप्शन सही है, धनाभाव। अर्थाभाव का अर्थ क्या है, धनाभाव। 77 कहता है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, शिव का, विष्णु का, शक्ति का, निर्गुण ब्रह्म का, तो यहां ए ऑप्शन इसका सही है, शिव का। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, शिव का। 78 कहता है, प्रश्न संख्या 78, कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, कहाँ हुए थे, मथुरा में। बिरजानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, आंख बंद करके ही सब कुछ जान लेने वाले थे, और बिरजानंद जी से मूल शंकर मिले थे कहाँ, मथुरा में। प्रश्न संख्या 79 कहता है कि मूल शंकर में वैराग्य का उदय कब हुआ, मूल शंकर में वैराग्य का उदय कब हुआ, इसे हम लोगों ने अपने पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा है कि उनमें वैराग्य की भावना जो है कब जागृत हुई, तो लिखा ऑप्शन है शिवरात्रि पर्व के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, बहन की मृत्यु के बाद, विरजानंद के दर्शन के बाद। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, पिता की मृत्यु के बाद, बी। प्रश्न संख्या 80 कहता है कि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में कौन सा है, रामायण के अयोध्या कांड से कौन सा पाठ जो है आपके पाठ्य पुस्तक में है, मंदाकिनी वर्णनम, अलस कथा, शास्त्रकारा या मंगलम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णनम, यानी 80 का जो है ए ऑप्शन सही है। 81 कहता है कि दान किसको देना चाहिए, उपकारी को, अनुपकारी को, धनी को या गरीब को। तो दीयते अनुपकारिणः, वहां आया है पुस्तक में दीयते अनुपकारिणः, यानी दान किसको देना चाहिए, अनुपकारी को, जिसने आपका उपकार न किया हो, वैसे लोगों को दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। प्रश्न संख्या 82 कहता है कि त्वाम अहम उत्थापयामि, किसका कथन है, बाघ का। त्वाम अहम उत्थापयामि, तुम्हें मैं निकालने के लिए आता हूं, यह कथन किसका है, बाघ का, व्याघ्रपथ की कथा से लिया गया है। नीचे लिखता भी है प्रश्न संख्या 83 की व्याघ्रपथ कथा पाठ में कौन्तेय शब्द का किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन्तेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, कर्ण के लिए, दुर्योधन के लिए, पथिक के लिए, अर्जुन के लिए। तो इसका जो है डी ऑप्शन आपका सही है, अर्जुन के लिए, कौन्तेय शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए हुआ है। कृष्ण ने कहा है दरिद्रानवर कौन्तेय महाप्रेक्षेश्वरे धनम। 83 का जो है डी ऑप्शन सही है। फिर हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 84 में, और ये कहता है कि महतराम भिक्षाम याचे, किसका कथन है, महान भिक्षा की याचना करता हूं। ऑप्शन है कर्ण, शक्र, शल्य और कुंती। तो 84 का जो है बी ऑप्शन सही है, शक्र। प्रश्न संख्या 85 कहता है कि सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है, ऑप्शन है राजलक्ष्मी, राज्य, पराक्रम या विद्या। तो आया है पाठ्य पुस्तक में हम लोगों की कि सांप के जीभ के समान चंचल कौन है, राजलक्ष्मी। राजाओं की जो लक्ष्मी है वह सर्प के जिह्वा के समान चंचला होती हैं, चंचल होती हैं। 85 का ए ऑप्शन सही है।
प्रश्न संख्या 86 कहता है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है? कर्णभारम, स्वप्नवासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रतिमा नाटकम। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्णभारम। जो कर्णभार नाटक है वहीं से कर्णस्य दानवीरता लिया गया। 87, प्रश्न संख्या 87 है, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? गुण, ज्ञान, मन और वाणी। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन वह जो ज्ञान प्रदान करके चला गया है उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता है। प्रश्न संख्या 88 कहता है कि असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? असहिष्णुता, ऑप्शन है प्रेम, द्वेष, भक्ति और निःस्वार्थ भाव। तो असहिष्णुता का जन्मदाता है कौन? द्वेष। 88 का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ रहे हैं हम, प्रश्न संख्या 89, देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। पाठ्यपुस्तक में मिला है, विश्व शांति पाठ का आपने अध्ययन किया है और उसमें मिला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं जो हैं दो देशों के बीच के विवाद का समाधान करते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। एकदम सामान्य प्रश्न है, बच्चे हमारे जानते भी हैं। अब हम आ गए 91 में। 91 कहता है कि आचार्य चरक की रचना कौन सी है? आचार्य चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो उनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। 91 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 92 कहता है कि किस शब्द में इंगित प्रत्यय लगा है? इंगित स्त्री प्रत्यय है, किस शब्द में लगा है? ऑप्शन है युवती, मातुली, गुरवी और विदुषी। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा डी, विदुषी। विद्वस शब्द में जब इंगित प्रत्यय लगता है तो बन जाता है क्या? विदुषी। 92 का सही उत्तर है डी। 93 प्रश्न है, गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है? अण, आय, याय, ईय। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अण प्रत्यय लगा है। गौरवम, गौरवम में तद्धित प्रत्यय है अण। 94 प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि अंश धन मतुप से कौन सा पद बनेगा? आंसवह, अंशुमान, अंशुमाली, अंशुकम। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अंशुमान। ये हो जाएगा बी, अंशुमान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 कहता है कितिन प्रत्यय किस पद में है? कितिन प्रत्यय, ऑप्शन है पठितम, जातम, श्रुत्वा और गति है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा डी, गति है। क्यों गति होगा? क्योंकि इसमें तीस कितिन में ती जो है शेष रह जाता है और वह ती ही धातुओं के पीछे जुड़ता है। तो ती किस में जुड़ा है? गति में। तो 95 का डी ऑप्शन सही है। 96 कहता है अतपत, अतपत किस धातु का रूप है? ऑप्शन है तन, तप, त्रिप और आप। तो 96 का सही उत्तर है बी, तप। तप धातु का लंगलाकार में बनता है क्या? अतपत। तप का अर्थ प्रयुक्त होता है तपस्या करना, तपस्या करने के सेंस में होता है। 97 कहता है कि निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? निष्काम, तो निष्काम में कौन उपसर्ग है? निस। 97 का सही उत्तर होगा सी, निस उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 98 कहता है कि परितः, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है?
परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, षष्ठी, पंचमी या द्वितीया? तो परिता के लिए हम लोगों ने कारक प्रकरण में पढ़ा आभिता परिता उभयता सर्वतः योगे द्वितीया, यानी कौन व्यक्ति होगी? द्वितीया। डी ऑप्शन सही है इसका, 98 का डी ऑप्शन सही है। 99 कहता है कि नए समास का पहला पद होता है, नए समास का पहला पद क्या होता है? स्वीकारात्मक, नकारात्मक, विशेषण या क्रिया। तो नए समास का पहला पद क्या होता है? नकारात्मक। बी ऑप्शन सही है, 99 का जो है बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 100 कहता है कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? 100 छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य पिंगल, आचार्यास्त, लगत और वशिष्ठ, इनमें से कौन है? तो हमारा सही ऑप्शन है आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र किसने लिखा है? आचार्य पिंगल ने लिखा है। अभी ये जो बिहार बोर्ड ने हमको प्रदान किया है मैट्रिक का मॉडल पेपर, उसके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हमने अध्ययन कर लिया और यह मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसे आप एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक याद न हो जाए अवश्य देख लें, याद कर लें। आगे भी जो इसके विषयनिष्ठ प्रश्न है, जैसे यह गद्यांश है, 7 और 6 दो गद्यांश होता है, 13 नंबर का, इन दोनों गद्यांशों को मैं पूरा करा दूंगा। जो अथवा में है वह भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, जो पत्र लेखन है उसका भी चारों का एक वीडियो बना दूंगा। फिर ये जो आपके अनुच्छेद हैं ये अनुच्छेद भी पढ़ा देंगे, अनुवाद भी हो जाएगा, और अंत में जो प्रश्न उत्तर लिखना होता है उसका भी प्रश्न उत्तर हम अपनी भाषा में लिख करके आपको बहुत जल्दी ही प्रदान कर देंगे, ताकि हमारे बच्चों को मैट्रिक परीक्षा में बढ़िया नंबर मिल सके। तो इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर में मात्र इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे इसी प्रश्न पत्र के गद्यांश, पत्र लेखन, अनुच्छेद, अनुवाद और प्रश्न उत्तर के साथ, या और भी जो मैट्रिक की महत्वपूर्ण सामग्री होगी हम मैट्रिक परीक्षा के लिए आपको प्रदान करेंगे, ताकि आपका कम से कम संस्कृत और हिंदी में 100 में 100 नंबर आ जाए। आपको अच्छा लगा हो आप अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, संस्कृत में लोग बच्चे जो है अच्छा अंक अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।